नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10वीं बारहवीं बोर्ड परीक्षा के एग्जाम कैंसिल होने के बाद राजस्थान बोर्ड यानी कि RBSE द्वारा रिजल्ट को लेके शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने दिशा निर्देश दिए हैं कि किस तारीख को रिजल्ट जो है जारी होगा, किस तरीके से आप जो है अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे। इसको लेके राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने जानकारी शेयर की है, जो इस वीडियो में आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में बेल घंटे के निशान को दबा के और नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। आपको बता दें, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की ओर से 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का रिजल्ट कैसे निकाला जाए, इस पर राज्य सरकार जो है लगातार मंथन कर रही है यानी कि बातचीत कर रही है। बुधवार को शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने शिक्षा विभाग और बोर्ड अधिकारियों से इस बारे में चर्चा की है। उसी के मुताबिक खबर निकल के सामने आ रही है कि बैठक के बाद गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि अधिकारियों से बोर्ड परीक्षाओं को लेकर चर्चा हुई है और बोर्ड को प्रस्ताव बनाकर भिजवाने को कहा गया है। बोर्ड अध्यक्ष शिक्षा निदेशक की कमेटी बनाकर इस पर निर्णय लिया लेने को कहा गया है। अब आपको बता दें, जरूरत पड़ने पर जो है शिक्षार्थियों को किस प्रकार से सुझाव जो है दिए जा रहे हैं। आपको बता दें, इस बार 10वीं और 12वीं परीक्षाओं के लिए 21.58 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी पंजीकृत हैं, जिसमें 10वीं के अभ्यर्थी लगभग 12 लाख तो 12वीं के अभ्यर्थी 9.5 लाख के समथिंग स्टूडेंट हैं। इसी को लेकर आपको बता दें किस तरीके से रिजल्ट जो है आप चेक कर पाएंगे। तो दोस्तों, परीक्षा के रोल नंबर जो है पहले ही जनरेट हो चुके थे क्योंकि मई के अंतर्गत एग्जाम होने थे, तो इसको लेके यहाँ पे जो रोल नंबर थे वो पहले ही जनरेट हो चुके थे। यानी कि जैसे बोर्ड के एग्ज़ाम हुए थे, यानी कि जो हम बात करें जो प्रैक्टिकल हुए थे, उनमें रोल नंबर जो है अभ्यर्थियों के आ चुके थे, तो उन्हीं के मुताबिक जो है 10वीं और 12वीं का रिजल्ट उन्हीं रोल नंबरों के आधार पर चेक कर पाएंगे। रिजल्ट को लेके बहुत ही बड़ी अपडेट, रिजल्ट को लेके उन्होंने कहा है राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कि रिजल्ट जो है इसका लगभग जो है 21 से 25 जून के बीच जो है इसका रिजल्ट अभ्यर्थियों को सुना दिया जाएगा। यानी कि किस तरीके से नंबर जो है अभ्यर्थियों को दिए जाएंगे उसके बारे में मैंने पहले से वीडियो बना दिया है, किस कौन सा आधार होगा, किस आधार पर अभ्यर्थियों को नंबर मिलेंगे, इसके बारे में इस वीडियो के आई बटन में आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो के एंड स्क्रीन में भी आपको वो वीडियो मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं, या आप हमारे यूट्यूब चैनल पर स्कूल कॉलेज के नाम से प्लेलिस्ट है जिसमें आप स्कूल कॉलेज कब खुलेंगे इसके बारे में हर प्रकार की अपडेट आप वहां पे देख सकते हैं। वहां पे भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि वहां पे आपको बताया हुआ है कि किस आधार पे 10वीं और 12वीं के अभ्यर्थियों को नंबर मिलेंगे, किस आधार पर मार्कशीट बनेगी, A to Z जानकारी वहाँ पर शेयर की है। अगर आपको फिर से वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने सहपाठियों मित्रों के बीच शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब के बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए पास में बेल घंटे के निशान को दबा के और नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे इसी प्रकार से एक और एजुकेशन की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।